हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर के बारे में। एक और मजेदार टॉपिक। देखो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे करेंगे कि हमने पिछले वीडियोज में क्या देखा, तो फ्रांस में जो भी उठापटक हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आना, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी खत्म करके, मतलब मोनार्की को अबॉलिश करके रिपब्लिक को एस्टैब्लिश कर देना, ये सारी चीजें हो गई। तो अब फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया है, लोग बड़े खुश हैं। रिपब्लिक बन गया मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम आया फ्रांस में जिसके चलते अब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कोई राजा नहीं होगा, कोई हेरिडेटरी नहीं होगा, वो एक इलेक्टेड इंडिविजुअल होगा। ठीक है, चुनेंगे हम, ठीक है। और वोटिंग राइट भी जो है, तो आपने देखा कि जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली आई थी 1792 में, जिसके हिसाब से क्या होगा कि हर 21 साल से ऊपर के मेन जो थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी नहीं है, सबको वोटिंग राइट दे दिया मेन को। ठीक है, तो सारे मेन जो थे उनको वोटिंग राइट मिल गया था। अब क्या, उन लोगों ने चुनाव किया, चुनाव में मतलब वोट देने गए, इलेक्शन हुए, वोट देके आए, वोट देके आने के बाद उन्होंने अपने हेड ऑफ द स्टेट जो है ना उसको चुना। क्यों? क्योंकि फ्रांस रिपब्लिक बन गया था। अब कौन जीतेगा, सोचो, जरा दिमाग लगाओ। दिखती बात है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जीतेगा, क्योंकि जैकोबिन क्लब जो उस समय पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे था, फ्रांस के जो मतलब बहुत सारे लोग जो थे लेस प्रॉस्परस सेक्शन के लोग थे जिनको वोटिंग राइट मिला, उनको वोटिंग राइट इसी कारण से मिल पाया क्योंकि जैकोबिन क्लब ने जो इंसरक्शन प्लान किया था अगस्त 1792 का, वो सक्सेसफुल हुआ ना, तो उसके चलते क्या है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की पॉपुलैरिटी, उस पॉपुलैरिटी के चलते वो क्या बनता है, हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। तो फ्रांस रिपब्लिक बना, और रिपब्लिक बनने के साथ ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बना, एक तरह से वो हेड बना फ्रांस का। ठीक है, तो अब उसके टाइम पीरियड में जो भी क्या हो सकता है परेशानियां आई, उसके टाइम पीरियड का जो कह सकते हैं उसका जो टाइम पीरियड था जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रूल कर रहा था, या फिर आप कह लो कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट थी ना, उसे रेन ऑफ टेरर कहा गया है। क्यों कहा गया है, पहला सवाल, क्या हुआ उसमें दूसरा सवाल, और जो आपके मन में होगा वो तीसरा सवाल, सारी चीजों को हम यहां डील करते हैं। देखो कहानी बड़ी सिंपल है, बहाव में बहते चलना मेरे साथ। मैं आपको नंबर याद नहीं करवा रहा हूं, ना नंबरों से डरा रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी चीज है। आप कहानी तो याद रख सकते हो ना, कहानी कैसी थी। हाँ, कहानी हमें ध्यान है कि 1789 में क्या होता है, रेवोल्यूशन, पहली बार बेस्टाइल प्रिजन पे हमला होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, राजा बोलता है ठीक है भैया मैं मानता हूं आपकी बात, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 1791 में। ठीक, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लेकिन राजा के मन में तो ऐसा था ना कि एक बार तो वापस आ जाऊं पावर में बस। तो राजा क्या करता है, एक तरह से सीक्रेट नेगोशिएशंस में जाता है, लेकिन वो फेल होता है। तो 1792 में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि जो ऑस्ट्रिया प्रुशिया उसको हराया जाता है, उसके बाद में राजा जो है तो इंसरेक्शन ऑफ ऑन द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज आपको देखने को मिला था, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वहां पे फॉर्म होती है, न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो बनती कन्वेंशन। ठीक, तो 1792 में ये पूरा चेंज आता है कि फ्रांस में मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया, यहां मोनार्की बनाई गई थी ना, उस मोनार्की को यहां अबॉलिश कर दिया, और अब पावर किसके पास आ गई, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा इलेक्टेड पर्सन होगा, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो आप देखोगे तो 1793 जनवरी साल की शुरुआत ही कैसे करते हैं, बोलते पहले अब जब मोनार्की खत्म ही कर दो, लुई 16 को रख के क्या करेंगे, इसे लटका दो। ठीक है, तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड, ये सब कुछ हो गया। अब 93 से 94 ये जो टाइम पीरियड रहा ना, अब क्या चुनाव हो गए थे, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रूल में है, ठीक है, पावर में है। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब पावर में था तो उस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया है, रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो रेन ऑफ टेरर मतलब बारिश वाली रेन नहीं है, यहां रेन मतलब क्या है, शासन की बात की जा रही है, जैसे कहा जाता ना कि किसका शासन है, तो मौर्यन एम्पायर, ठीक है, तो या फिर ऐसे जैसे रेन ऑफ गुप्तास, तो जो उनका शासन काल रहता है, ठीक है, तो किसी भी इंसान के शासन को क्या कहा जाता है, रेन। ठीक है, तो वही रेन ऑफ टेरर मतलब क्या है कि यहां पे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रूल कर रहा था, लेकिन रूल डर कर रहा था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर नहीं रूल कर रहा था, मतलब उसने जो डर बना के रखा था यहां। ठीक, कैसे डर बना दिया सर, मतलब ये भूत था क्या, वो भूत नहीं था, कैसे डर बनाया वो समझो। देखो, तो इसे रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया, रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करी उसने कि लोगों को कंट्रोल में रखा जाए, नहीं मानेंगे तो सीधे पनिशमेंट दो। ठीक है, अब पनिशमेंट किसे दोगे, आप कोई भी रोड चलते को थोड़ी नहीं पकड़ लोगे, तो पनिशमेंट किसे दी जाती थी, तो ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, रिपब्लिक बन चुका था, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को ऐसा लगता था कि ये इंसान जो है ना ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहता है, कि राजा अच्छा था, राजा के जैसा पहले सिस्टम था वैसा आए, मोनार्की आ जाए। तो वो कौन होंगे, तो एक्स नोबल्स हो गए जो पहले रूलिंग क्लास के लोग थे, क्लर्जी हो गए, ठीक है, ये लोग जो है ना, ये लोगों को मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हमेशा शक की नजर से देखता था, ये कहीं वापस रिपब्लिक के लिए खतरा तो नहीं है, कहीं सीक्रेट नेगोशिएशन में तो नहीं चले जाएंगे, तो ये जहां घूमते दिखते थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर पकड़ लेता था, ऐसा नहीं, बाकी इस तरह से क्या होता, तो अधिकतर ये सारे लोग जो थे ना एक्स नोबल्स, क्लर्जी,
मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज. अब क्या हो रहा है, जैकोबिन क्लब खुद एक पॉलिटिकल क्लब था और पॉलिटिकल फ्रीडम के चलते ही पावर में आया था ना वो. लेकिन जैकोबिन को ऐसा भी लगता था कि मेरी पावर खत्म ना हो जाए तो दूसरे पॉलिटिकल क्लब जितने भी थे सबको बैन कर दो, कोई अगर दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैरी आउट करवाना चाह रहा है, जैसे वुमेन की बात कर लो, अभी आगे पढ़ेंगे हम ओलंपिया डिगोजिस के बारे में, तो कोई अगर महिला भी क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, चलो इनको अरेस्ट कर लो. तो इस तरह से आवाज कोई ना उठाए बस मेरे अगेंस्ट में, ठीक है. तो ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, सच एज एक्स नोबल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी who did not agree with his method, ठीक है. तो अपनी खुद की political party के वो लोग जो Maximilian Robespierre के view point से agree नहीं करता था, ठीक है, तो उसे भी क्या बोलते थे, तुम भी देशद्रोही हो, ठीक. तो इस तरह से they all were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. तो उनको arrest किया जाता था, jail में डाला जाता था and then they were tried by the revolutionary tribunal. Revolutionary tribunal मतलब क्या है कि revolution की जो गाड़ी चली आ रही है उसके सामने जो लोग भी आएंगे, रुकावट बढ़ेंगे, तो उन सबको क्या है कि एक revolutionary tribunal बना दिया जो ये देखेगी कि इंसान सही है गलत है, अगर गलत है तो क्या किया जाएगा, ठीक है. तो if the court found them guilty, they were guillotined. तो अगर court को ये लगता था कि ये इंसान गलत है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से आरोपी है, गिल्टी है, तो उसको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, गुलेटाइन कर दिया जाता था. अब ये गुलेटाइन शब्द जो है, इसके पीछे की कहानी सुनो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं. यहां तक कहानी समझ में आई ना आपको कि रेन ऑफ टेरर क्या है? तो द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94, आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ, क्या आतंक फैला हुआ था? तो आतंक जो एक इंसान था, ठीक है, उसने आतंक फैला के रखा था. स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का टाइम पीरियड था. और जो मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया ना कि टेररिज्म यहां से इवॉल्व हुआ, कैसे टेररिज्म यहां से इवॉल्व हुआ, तो Maximilian Robespierre की जो हरकत थी ना कि लोगों को बस जहां मेरी बात नहीं मानी जा रही वहां लोगों को मार दिया जाए, तो ये टेररिज्म का एक नेचर है. कैसा नेचर है कि टेररिस्ट भी तो यही करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम सही हैं, मतलब टेररिस्ट सही हैं और उनकी बात नहीं मानी जा रही, इसके लिए स्टेट के ऊपर हमला कर दो, लोगों को मार दो, पीट दो, ठीक है, वायलेंस में वो विश्वास रखने लगते हैं. तो टेररिज्म की रूट्स, जो टेररिज्म को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि टेररिज्म की रूट्स ये यहाँ है, Maximilian Robespierre के यहाँ. खैर वो एक अलग चीज है, आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे उन सारी चीजों को और हायर एजुकेशन में. बाकी अगर हम समझे यहां तक तो ये चीजें समझ में आई आपको, ठीक है, ये चीजें समझ में आई. अब क्या होता था, जो भी आरोपी पाया जाता था देवर गुलेटाइंड. ये क्या चीज है, गुलेटाइंड क्या होता है, देखो तो गुलेटाइन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज गुलेटाइन, तो गुलेटाइन एक मशीन है. अब क्या है ना कि इतने सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, इतने सारे लोगों को मारना है, कब तक वो बेचारा जल्लाद थक जाएगा फांसी चढ़ा चढ़ा के, तो ठीक है उसको भी तो कुछ थोड़ा रिलीफ मिले. तो गुलेटाइन एक डिवाइस बनाई गई, ठीक है, और उस डिवाइस की मदद से देवर किल्ड, ठीक है, तो देवर गुलेटाइंड बाय दैट डिवाइस. क्या थी वो डिवाइस, तो डिवाइस का देखो एक प्रोटोटाइप है यहां पे, समझना अच्छे से. दो पोल्स रहते थे, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड. अब ये ब्लेड जो नीचे गिर रही थी, यहां सब्जियां नहीं काटी जाती थी, ठीक है, यहां क्या काटा जाता था, तो सपोज ये आप हो, ठीक है, आपने चोरी करी, Maximilian Robespierre को ऐसे लगा मतलब ये आपके हाथ पैर है, ठीक है, और ये गर्दन है, तो इस तरह से लेटा दिया जाता था, ये जो एक ब्रैकेट दिख रहा है ऊपर, इसको ऐसे ऊपर रखा जाता था, एक बार गर्दन को सेट करवा दिया जाता था उसमें, और फिर उसके बाद में ये बंद कर दी जाती थी कि आपकी गर्दन इधर उधर भागे ना, क्यों, क्योंकि ऊपर से ब्लेड गिराएंगे आपके ऊपर, ठीक. और इस तरह से गर्दन जो होती थी तो गर्दन को अलग कर दिया जाता था, तो मुंडी ऐसी यहां पे आ जाती थी, बीहेड किया जाता था. आपको नहीं करेंगे, घबराओ नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, क्लियर है. तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से आप समझोगे तो एक डिवाइस बनाई गई थी, और ये डिवाइस का पर्सपेक्टिव बस इतना था क्या कि फटाफट फटाफट लोगों को पनिशमेंट दे सके हम, ज्यादा डिले ना हो, ठीक है, और पनिशमेंट थोड़ी सी क्रूअल हो तो लोग देख के क्या करें, गलती ना करें, स्टेट के अगेंस्ट में ना जाए, स्टेट तो कहने वाली बात है, Maximilian Robespierre के अगेंस्ट में ना जाए बस, ठीक. तो ये था रेन ऑफ टेरर. रेन ऑफ टेरर आया समझ में, रेन ऑफ टेरर क्या है, तो What was guillotine? So, a guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. So, sir, kalam kar diya jata tha. ठीक है, sir ko kya kiya jata tha? मैं सर नहीं, ये वाला सर. तो सर को कलम कर दिया जाता था शरीर से, ठीक है. तो इस तरह से एक ये गुलेटाइन डिवाइस बनाई गई थी. अब फिर वही वाली बात है, मर्सेलीज जो सॉन्ग है तो वो मर्सेल से गाते हुए निकले थे, इसके लिए मर्सेलीज हो गया. जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन कहां से पड़ा, क्योंकि सेंट जैकोब क्लब में बना दिया गया था. वैसे ही जो अगर बात की जाए गुलेटाइन की, तो गुलेटाइन जो है, ठीक, ये गुलेटाइन जो डिवाइस है इसका नाम गुलेटाइन क्यों पड़ा, बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलाटी. नहीं, डॉक्टर गुलाटी ने नहीं बनाया था, ठीक है, डॉक्टर गुलाटी तो ये बोलेंगे कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है. द डिवाइस वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन, ठीक है, हु इन्वेंटेड इट. तो गुलेटाइन उस डिवाइस का नाम था, इन्वेंट डॉक्टर गुलाटी ने नहीं किया था, गुलेटिन ने किया था. तो डॉक्टर गुलेटिन इन्वेंटेड दैट डिवाइस, क्लियर हुआ. तो अब देखो इस सिचुएशन में, मतलब रेन ऑफ टेरर के टाइम पीरियड में, ये तो हमें समझ में आ गया कि सीवियर पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ये सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा था. इसके अलावा क्या था, तो अगर सिचुएशन को समझोगे ना कि वहां पे सिचुएशन क्या थी, तो Robespierre's गवर्नमेंट इशूड
laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. अब क्या हो रहा था उस समय पे प्राइस बढ़ रहे थे, जैसे हमने देखा कि 1792 में जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे किंग के मतलब लुई 16 के वहां पे हमला होता है पैलेस पे, तो उसके पीछे का कारण ये था कि लोग जो है वो तो प्राइस राइज से परेशान थे. क्लियर? तो रॉबेस्पियर ने क्या सोचा कि मुझे सारी चीजें कंट्रोल करना है, मतलब बहुत ऑथोरिटेटिव हो रहा था वो. ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, लॉज ले आया जिसके चलते मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, इससे ज्यादा की कीमत पे सामान बिकेगा ही नहीं. ठीक है, अब क्या हो रहा था, इससे नुकसान भी हो रहा था. मीट और ब्रेड को रेशन किया जाता था, गवर्नमेंट बांट रही है, लो इतना ले लो तुम, इतना ले लो तुम. इससे क्या हो रहा था कि पीजेंट्स फार्मर जो थे वो भी उनको भी उनकी कीमत के सही दाम, मतलब उनको उनकी फसलों के सही कीमत नहीं मिल पा रही थी, सही दाम नहीं मिल पा रहे थे. ठीक है, तो पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स कर दिया उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा आपको. ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो कम प्राइस है, ज्यादा प्राइस है, हमने जितना बोल दिया उतने पे बेचो. तो इस तरह से पीजेंट्स और फार्मर्स जो थे वो भी परेशान हो रहे थे. क्लियर है? फिर क्या, इक्वेलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू दी फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेसेस. इससे पहले अगर आप समझोगे ना, तो देखो पीजेंट्स को तो बोल दिया था कि आपको इतने ही पैसे पे बेचना है, मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर दी थी कि इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा आपके सामान का. साथ ही साथ क्या होता था कि पीजेंट्स जो मतलब जो जनता थी ना, तो आम जनता के लिए क्या सिस्टम लिया, उन्होंने बोल दिया कि सब इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे. इक्वालिटी ब्रेड मतलब क्या है कि ऐसा है, देखो क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी का सामान होता है. तो अब एक क्या होता है, एक जनरल मासेस के लिए, जनरल मासेस के लिए इन द सेंस जनरल ऐसा कुछ भी बना नहीं रहता किसी के लिए, लेकिन एक जो सस्ता प्रोडक्ट होता था, तो ये बोल दिया कि सभी यही वाला जो फ्लोर है, ठीक है, आटा जो है वही खाएंगे. ठीक, इसके चलते क्या होगा, इसके चलते हम इक्वालिटी ला पाएंगे. आपके पास ज्यादा पैसा भी है तो भी वो कोई काम का नहीं है, आपको जो गवर्नमेंट बोल रही वही खाना है. ठीक है, गवर्नमेंट जितने पैसे पे सामान बेचेगी उतने पैसे पे ही आपको बेचना है, उतने पे ही खरीदना है. तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल है आपको देखने को मिल रहा है, डर का माहौल है, नहीं मानोगे तो आपको बोल दिया जाएगा चलो वो डिवाइस जो इसकी टेस्टिंग करते हैं, जरा बुलेटिन करवाते हैं. ठीक है, तो इस तरह की स्थिति हो गई थी. इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू दी फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेस. स्पीचेस एंड एड्रेस मतलब क्या है, स्पीचेस एंड एड्रेस में ये बताया गया है कि जो लोगों का बात करने का तरीका था ना, उसमें भी इक्वालिटी को इम्पोज करने की कोशिश की गई. कैसे, तो मतलब यहाँ क्या कह सकते हैं कि एक्सेस में इक्वालिटी हो रही थी. क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्स्योर एंड मैडम, ठीक है, तो सर और मैडम जो वर्ड यूज किए जाते थे ना, उन्हें बोल दिया आज से कोई सर नहीं, आज से कोई मैडम नहीं, सब क्या होंगे, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंस फोर्थ सिटीजन एंड सिटीजन. ठीक है, तो मतलब सब सिटीजन होंगे, मतलब मेल और फीमेल के लिए. तो आज से कोई सर नहीं, कोई मैडम नहीं, सब सिटीजन है. सब क्या है, फ्रेंच मैन है, फ्रेंच वुमेन है, मतलब फ्रांस के नागरिक हो आप, दैट्स इट. ठीक है, सब में इक्वालिटी. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरेक्स और ऑफिसेस. क्लर्जी क्लास जो है, तो उनको तो दौड़ा दौड़ा कर क्या करते थे, परेशान कर दिया थे उन्होंने, तो उनके जो चर्च वगैरह थे सबको शट डाउन कर दिया, बोल दिया कोई नहीं. ठीक है, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह जो थी उनको बैरेक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया, बोल दिया कि आज से क्या होगा, हम इसमें ऑफिस चलाएंगे, आप देखो अपनी व्यवस्था कहीं और. कॉन्वेंट वगैरह सब बदल दिए थे. तो ये पूरी सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेन ऑफ टेरर. आया समझ में, रेन ऑफ टेरर एकदम क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेन ऑफ टेरर आखिर है क्या, कोई इंसान नहीं है, ठीक है, कोई दानव नहीं है. वो उस टाइम पीरियड को कहा गया है जब एक तरह से क्या है, फ्रांस में सिचुएशन जो थी वो एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट थी. ठीक, फियर फैला हुआ था पूरा लोगों के बीच में. क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, जैकोबिन गवर्नमेंट या फिर कह लो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था, तो वो क्या था, बहुत अत्याचारी था, बहुत क्रूअल था. ठीक, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ अल्टीमेटली, देखो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एक समय होता ना कि लोग सहते हैं और फिर फूट के निकलते बाहर. वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का 14th ऑफ जुलाई 1789 का इवेंट था, वही 92 के इवेंट थे. तो वैसे ही अब क्या, और लोग सह रहे हैं. तो 93 से 94 तक सहा उन्होंने ये रेन ऑफ टेरर जो था. तो रोबेस्पियर परसुएडेड हिज पॉलिसीज सो रेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन. मतलब रोबेस्पियर क्या हो गया था, इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि उसके जो सपोर्टर थे ना, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे जिन्होंने उसे वोट दिया था, वो खुद चाह रहे थे कि भैया थोड़ा तो मॉडरेशन ले आओ. ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन. और जब उसके सपोर्टर्स खुद मॉडरेशन की बात करने लगे, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते सपोर्टर्स ने बोला अब बहुत हो गया है. क्या किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को ही एग्जीक्यूट कर दिया. कैसे, तो ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1944 में कोर्ट ने उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब हेड थे, इलेक्टेड हेड को ही पकड़ के बोल दिया क्या कि इसके ऊपर मुकदमा चलाओ पहले. क्लियर, तो अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलेटाइन. तो जो गुलेटाइन डिवाइस बनवाई थी बोला कि लाओ टेस्टिंग तुम्हारे ऊपर करते हैं. तो ही हिमसेल्फ वॉज गुलेटाइन. और इस तरह से रेन ऑफ टेरर खत्म होता है. अब सुनो मेरी बात, हुक में अभी आपको देखे जा रहा हूं. रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर खत्म हो गया, मतलब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई है. अब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई तो अब किसी और की गवर्नमेंट आएगी, तो सीट खाली थोड़ी ना रहती, उस पर कोई ना कोई तो बैठा ही रहता है हमेशा. तो अब आगे क्या होगा, आगे डायरेक्टरी रूल करेगी. क्या है डायरेक्टरी, जितने भी कंफ्यूजन है ना, सारा सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम.
मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।